सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज मैं आपके लिए एक और नई बिल्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ चुका हूँ। आज मैं आपको जो है 3 स्टोरी बिल्डिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने जो स्कॉल हाउस की भी जो है टिप्स एंड ट्रिक्स बता रखी है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स बिगिन। ट्रिक नंबर 1 गाइस, अगर कोई बंदा जो है फर्स्ट फ्लोर पे जो है सीढ़ी के पास में जो है कैंप कर रहा होता है या फिर टीपीपी ले रहा होता है कि अगर कोई भी सीढ़ी से आएगा तो वो जो है मार देगा, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो अपने किसी भी टीममेट को या फिर अगर आप स्क्वाड में खेल रहे हो या फिर डुओ में खेल रहे हो, तो अपने टीममेट को जो है जाके सीढ़ियों पे फुटस्टेप देने के लिए बोल दो और आपको जो है सिंपली जो है इससे ब्रोकन वॉल के पास आना, इस पे जंप करना, फिर आप यहाँ पे से जो है जंप करके इजिली जो है सामने वाले बंदे को मार सकते हो। और मैंने जो है टीममेट को लेने के लिए इसलिए बोला था क्योंकि टीममेट सीढ़ी पे जो है फुटस्टेप देगा तो जो एनिमी है वो जो है उधर की साइड में उसका जो है ध्यान रहेगा, तो वो आपके जो है साउंड को इधर जो है अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, तो आप जो है मार सकते हो उसको। ट्रिक नंबर 2, क्या सपोज करो क्योंकि एनिमी जो है वहीं पर अभी भी वहीं पर टीपीपी ले रहा है, लेकिन आप सामने से नहीं जा सकते क्योंकि आसपास बंदे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है राइट साइड से घूम के जाओ और यहाँ पे आपको जो है कुछ लोहे की चीजें मिलेगी, बस स्टॉप जैसा स्ट्रक्चर है, तो उस पर आपको जो है जंप करना ब्रोकन वॉल की मदद से, और फिर सामने जंप करके आप जो है सीधा फर्स्ट फ्लोर पे आ सकते हो और एनिमी को जो है इजिली नॉक कर सकते हो। और जैसे कि मैंने बताया कि अपने टीममेट को जो है सीढ़ियों पे फुटस्टेप देने के लिए बोलना। ट्रिक नंबर 3, तो मान लो कि अब जो बंदा वो डायरेक्ट सीढ़ियों पे टीपीपी ले रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप उधर हो तो उस साइड उस वाली टिप्स एंड ट्रिक्स से चले जाओ, या फिर अगर आप इस घर की तरफ में हो तो आप जो है इस फर्स्ट फ्लोर पे आओ और फिर जो है जंप करते हुए जो है इस रैलिंग पे आ सकते हो और यहाँ से आपको जो है इजीली जो है स्पॉट कर सकते हो एनिमी को, मतलब सामने दिख जाएगा वो आपको और आप इसको जो है फिर इजीली नॉक कर सकते हो। और यहाँ पे जो आपका टीममेट काफी ज्यादा कारगर साबित होगा क्योंकि वो सीढ़ियों पर रहेगा और बंदा जो है एकदम ही उसे 100% श्योर होगा कि हाँ यहीं से बंदा आने वाला है, तो आप जो है इजिली उसे कंफ्यूज करके मार सकते हो। ट्रिक नंबर 4, तो यार मान लो कि बंदा जो है छत पे जो है टीपीपी ले रहा है, मतलब सीढ़ियों के पास में या फिर वहीं पर है, और आप जैसे जाओगे तो वो जो है आपको मार सकता है, तो आप क्या करो, आप जो है पहले थर्ड फ्लोर पे आ जाओ, फिर आप जो है यहाँ से जो इस विंडो से कूद के इस पे आना आपको, फिर यहाँ से सामने की तरफ जंप करते हो, आपको राइट की तरफ स्क्रीन कर लेना और आप जो है सीधा यहाँ पे आ जाओगे और यहाँ से आपको जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंगल मिल जाएगा। अगर एनिमी वहाँ पे रहेगा सीढ़ियों के पास में तो भी आप जो है ईजिली उसे जाके मार सकते हो, और यार जो एनिमी होगा वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएगा ये देख कर, तो आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। ट्रिक नंबर 5, अब यार बंदा जो है फर्स्ट फ्लोर पर ही जो है सीढ़ियों पर टीपीपी ले रहा और आप ऐसे घर की तरफ में हो जहाँ से आप जो है कोई टिप्स एंड ट्रिक्स लगा नहीं सकते, तो आपको जो है नेड करने का एक ऑप्शन होता है, तो नेड आपको कैसे करना है, आप जो सामने जो रूफ दिख रही है उस पर पॉइंट आउट करके जो है नेड को मारो, क्योंकि इससे क्या होगा कि नेट जो है आपका उस पर लग के सीधा नीचे गिर जाएगा और यहाँ पे कोई भी बंदा रहेगा वो इजिली नॉक हो जाएगा, तो इस चीज़ का आपको जो है ध्यान रखना है। ट्रिक नंबर 6, अगर यार कोई बंदा आप पे रश कर रहा है और अकेला ही है, तो आप जो है यहाँ पे आके जो है टीपीपी ले सकते हो एक तरीके से, क्योंकि यार अगर बंदा आप पे डायरेक्ट रश कर रहा है सीढ़ियों से आते आते, तो आप या तो वहाँ पे सीढ़ियों के पास टीपीपी ले लो, पर हो सकता है कि वो भी नेट कर दे तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप जो यहाँ पे रहो, यहाँ से आपको जो है नेट भी नहीं लगेगा कहीं से और बंदा आएगा तो उसे भी आप मार सकते हो और उसको पता भी नहीं चलता, मतलब लोग सोचते भी नहीं है कि यहाँ पे कोई टीपीपी ले रहा होगा, मैक्सिमम वो सीढ़ियों के पास में ही सोचते हैं, तो वहाँ पे वो बच के जाते हैं, तो आपको जो है इसी चीज़ का ध्यान रखना और आप जो यहाँ पे जैसे रहोगे तो अगर कोई बंदा आएगा तो उसे आप इजीली जो है नॉक करके फिनिश भी कर सकते हो। ट्रिक नंबर 7, तो जितनी भी 3 स्टोरी में जो विंडोज़ होती है उनका पूरा फ़ायदा उठाया करो, क्योंकि उसमें आप जंप करके जो है ऐसे उस पर जो एक तरीके से बैठ सकते हो और उसके बाद जो आप पीक देके जो है किसी भी एनिमी को मार सकते हो अगर आपको उसका एंगल मिल रहा है तो। ट्रिक नंबर 7, तो ये वाला जो 3 स्टोरी है ये इस शेल्टर के सामने वाली जो रोड है वहाँ पर आपको मिलती है, तो यार इस 3 स्टोरी में जो है जैसा कि आपको पता है कि छत नहीं है, मतलब छत पर जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो जैसा कि मैंने आपको पिछली ट्रिक्स में बताया था कि आपको जो यहाँ पे आके जो है सामने जंप करके राइट की तरफ में होना है, तो आप जो है सीधा जो है इसके ऊपर में आ सकते हो, फिर जो आप सीधा छत पे भी आ सकते हो, और यार यहाँ पे तो आपको कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर पाएगा कि यहाँ पे आप हो भी सकते हो, क्योंकि यार सबको पता है कि यहाँ पे जाने का कोई रास्ता है नहीं, तो कोई हो भी नहीं सकता यहाँ पे, इसलिए आप जो यहाँ पे आ सकते हो, और कभी कभार जो है लास्ट जो जोन होता है वो भी यहीं पे बन जाता है, तो यहाँ पे आपको जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंगल मिलेगा हर तरफ से, तो आप जो एनिमी को जो है ईजिली नॉक कर पाओगे। तो यार बस आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और आप जो है पहले इन सबको यूज़ कर लेना, उसके बाद ही जो है मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसा लगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।